प्रजा पिता भी दूसरों को नहीं समझा सकता सुना सकता कि मेरा ये पार्ट है। बल ये कि आज में पार्ट वो ही चलता रहा, वो पार्ट जिसके लिए मुरली में बोला है, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये कथा कहानी प्रजा पिता की है क्या? ये कहानी ब्रह्मा की, ब्रह्मा की नहीं है। तो वो अंदर से पक्का निश्चय बुद्धि वो भी नहीं था, ये भगवान का पार्ट वास्तव में किसका है? संयम नहीं करती थी तो बुद्धि में बैठी नहीं सकता। तुम 76 होते होते जो अव्वल नंबर भक्ति है, तुम सब भक्तियां हो। मैं हूं एक राम, तो कौन ज्ञानी तू आत्मा हुई अव्वल नंबर, और अव्वल नंबर भक्ति कौन हुई? अव्वल नंबर भक्ति है, अव्वल नंबर भक्ति दोनों माताओं के बीच में किसको कहे? छोटी मम्मी को अव्वल नंबर भक्ति कहे। अरे सुनने सुनाने वाली को कहा जाता है भक्ति। भक्ति में क्या होता है? सुनना और सुनाना, और समझने समझाने वाले में क्या होता है? ज्ञान। जो समझेगा वही दूसरों को समझाएगा, जो समझेगा पहले खुद धारण करेगा, खुद धारण करके फिर दूसरों को भी समझाएगा। तो समझने समझाने वालों में जो ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, वो सिर्फ सुनने सुनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा हुए, या प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले धारण करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाले ज्ञानी तू आत्मा हुए? प्रैक्टिकल में धारण कर। ज्ञान होता है एक सुनना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है सुनाना समझ करके, और चौथा होता है अपने जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाना। तो ज्ञानी किसको कहा जाएगा? धारण करके फिर दूसरों को सुनाएगा। तो सुनाना सुनाना ये भक्ति, और समझना और फिर समझाना ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञानी तो आत्मा कौन हुई? हाँ, अंदर से जिसने समझ लिया, लेकिन बग बग करके ढोल नहीं बजाया। भक्ति में क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं, वाणी सुनाते हैं, या पहले धारणा करके दिखाते हैं? और सबसे ज्यादा वाणी चलाने का काम कहाँ, कौन से धर्म स्थानों में होता है? अरे दुनिया में इतने धर्म स्थान हैं, उनमें सबसे जास्ती वाणी सुनने सुनाने का धंधा कहाँ होता है? पता ही नहीं, सुनने सुनाने का धंधा नहीं शुरू हुआ है। मस्जिद में चुपचाप खड़े होके बैठ के गुरु बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वाणी नहीं चलाती जाती। मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में सबसे जाती सुनना सुनाना होता है। आपने इसका मतलब सब तरह के धर्म स्थान देखे नहीं? बताओ, इस्लाम धर्म में तो सुनना सुनाना इतना जाती नहीं बोलते, ज्ञानी नहीं होते हैं? बनारस में, ये बनारस नहीं कहा, धर्म स्थान पूछा। अरे हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई बौद्ध, इनके धर्म स्थान होते हैं, उनका अगर नाम होता है। हाँ, गुरुद्वारे में सबसे जाति वाली चलती है। अभी भी किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, रौबत बज रही होगी। गुरुवाणी जो है हर गुरुद्वारे में 24 घंटे गुरुवाणी चलती ही रहती, अखंड पाठ चलता है। तो सबसे ज्यादा वाणी कहाँ चलती है? गुरुद्वारे।
तो जो सुनने सुनाने वालों की अम्मा होगी, भक्तों की माँ होगी, उसका ज्ञान मार्ग में बाबा ने नाम क्या बताया है? फर्स्ट क्लास भक्तिन का अरे फर्स्ट क्लास भक्त का नाम बताया हुआ है और फर्स्ट क्लास भक्तिन का भी नाम बताया हुआ है। मीरा ये जो बोल रहा है मैंने सरसों पंज है। तो मीरा ने अपने जीवन में क्या किया? मीरा के जीवन में क्या बात प्रसिद्ध है? विष पिया, निंदा का विष पिया, विष को प्यालो राई भेजो, सोचने मीरा हाँ तीरे और खुशी खुशी पी गई। क्या राणा ने आदेश दे दिया ये पियो? क्यों 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 भेजो? अरे मर जाए तो ठीक है, लेकिन उससे रिजल्ट क्या होता है? इसे पीने का रिजल्ट क्या होता है? कोई कोई ऐसे भी पहले लोग होते हैं जो सांपों का विष पी जाते हैं और जिंदा रहते हैं, इतने विषैले हो जाते हैं। अच्छा विष पीने वालों में सबसे ज्यादा गायन किसका है? शंकर जी का, वो तो जगत पिता है। तो जो सहयोगी शक्ति होगी वो कम होगी क्या? काली पार्टी है सर। क्या महाकाली का रूप धारण करती है, असुर संहारिणी कही जाती है, असुरों का संहार करती है। तो दुनिया में आज के अलावा बाकी सब क्या हो गए? कुलशांति सारे भी विचारी जीवन बिताने वाले हो गए, कोई अपनी करनी से चूकता नहीं है। तो ऐसी विविचारिणी दुनिया में वो माँ के रूप में पाठ बजाती है, ऐसे विचारे बच्चों को भी गोद में धारण करती है, उनकी पालना करती है। जिसे विकार से होता है विनाश, क्या विविचार से क्या होता है? दुनिया का विनाश होता है और अब विविचार से नई दुनिया की स्थापना होती। इसलिए यहाँ बोला हुआ है कि ब्रह्मा सरस्वती शुक्र लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो ब्रह्मा सरस्वती शुक्र लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो जिस नंबर के ब्रह्मा सरस्वती उसी नंबर के लक्ष्मी नारायण, उनका संबंध देखो कैसा है। किनका? ब्रह्मा सरस्वती का। वो उनकी क्या है? बेटी है। है तो बेटी ना, सरस्वती ब्रह्मा की क्या है? बेटी है। चाहे बेसिक में है तो क्या है? अरे बेसिक में भी बेटी है। ओमराजी क्या थी? बेटी थी। और एडवांस में भी पहले पहले ज्ञान कौन लेती है? अरे चंद्र पाई तो पहले पहले ज्ञान लेती है एडवांस में, भले बच्ची है तो बेटी हुई ना। तो बोला उनको संबंध देखो कैसा है। 76 में प्रजापिता की एज भी पता है, मुर्शी में तो बता दिया, कोई 20 साल कोई 25 साल की, उस हिसाब से 42 और 47 में उनका जन्म साबित होता है। तो प्रजापिता की एज 75 में क्या हो गई? थर्टी फोर। तो कहाँ 35 साल और कहाँ 9 साल की बच्ची। मम्मा ने शरीर कब छोड़ा था?
ओम रानी मम्मन इसकी फायद में शरीर छोड़ा और थोड़े समय के बाद उनके स्थान पर पाए के बजाने वाली वो मम्मा ज्ञान में आ गई। जैसे कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और उसी वक्त जो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला मुख्य पार्टधारी है वो भी उसी वक्त ज्ञान में आ जाता है। इस संसार रूपी जंगल में शेरनी कभी खाली खाली नहीं रहती। 75 में 76 में दोनों ही आत्माएं मौजूद हुए, प्रजापिता का ब्रह्मा भी और वो माता भी। उनको देखो संबंध कैसा है, तो दुनिया इन बातों को तो जानती नहीं। क्या दुनिया क्या समझती है? दुनिया ब्रह्मा सरस्वती का संबंध क्या समझती है? ब्रह्मा सरस्वती पर फैदा हुआ, फैदा होने का आरोप क्या लगाते हैं? गंदे तरीके से लगाते हैं या अच्छे तरीके से लगाते हैं? गंदे होकर गंदा तरीके से लगाते हैं। वास्तव में 84 जन्मों के बाद वो आत्माएं तमो प्रधान बन जाती है। कौन आत्माएं? जो आज में सतो प्रधान थे वो अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर उनमें प्रवेश करते हैं, इनमें आकर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा संतति एक जन्म में पुरुषार्थ करके फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण, अब लक्ष्मी नारायण एक का गायन है विष्णु के मंदिर में या चार आत्माओं का गायन है? जहां जहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं भारतवर्ष में, वहां वहां डबल मंदिर बनाए गए हैं। एक नर नारायण का मंदिर अलग होता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग होता है। तो जो नर नारायण का विष्णु का मंदिर है उसमें कितनी आत्माएं साबित होती है? विष्णु रूप में पाठ बजाने वाली नर नारायण चार आत्मा। तो ये चार आत्माओं की यादगार बताई कि पुरुषार्थ करके फिर लक्ष्मी नारायण बनते। जगत पिता जगदम्बा को भी क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण से ऊंच पद नहीं है तो कम से कम नीच पद भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक हुए और जगत पिता जगदम्बा आगे मालिक हुए, सारे जगत के मालिक। बाप कहते हैं जो वो है तो तुम हो, माना सत तुम, सत माने हुआ, तुम माने सामने वाला। सत किसको कहा? सत माने हुआ, वह माने दूर माने सचिव में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे वो भी वही है और तुम भी वही हो, उनसे कोई कम मर्तबा तुम्हारा नहीं है। कितनी गुहे बातें हैं, बाकी शास्त्रों में क्या है? वो तो उतरती कला के शास्त्र हैं, उन उतरती कला के शास्त्रों में सच्चाई साबित नहीं होती। ओके।
संबत एक 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 कब कहेंगे? संबत एक एक की शुरुआत संगम में होगी या सचिव में होगी? सचिव में तो हिस्ट्री होती ही नहीं है, तो दिन महीना तारीख की शुरुआत भी नहीं कहेंगे। ये कहाँ बनती है? इस दुनिया में बनती है। तो संबत एक 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 तब कहेंगे जब नरक की दुनिया के बीच बाप आकर के सर कवर कर लेते। तब और वो सड़क का वर्षा एक्यूरेट को शास्त्र करने वाले आत्माओं के संगठन को मिलेगा या पहले सबको मिल जाएगा? एक्यूरेट को शास्त्र करने वाली आत्माएं कितनी होंगी? प्रजावर्ग की नहीं होगी, प्रजावर्ग वाली तो पुरुषार्थ करती नहीं है, राज्य करती नहीं है। 16108 में तो दास दासियां बनने वाले ढेर हैं, उनको तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाला कहेंगे ही नहीं। 108 में सब धर्म के घुसे हुए तो 8 ही है जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। तो उनका संगठन जो तैयार होता है, उसके जो परिवार की इकाई तैयार होती है नई दुनिया में, वहां से कहेंगे संबत एक एक जी। वैरायटी धर्म का झाड़ है, उसमें सब 84 जन्म लेने वाले थोड़े ही है। आए बाप आए एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने के लिए और का विनाश कर देते, तो विनाश किसका होता है? बाप तो आए हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले सब एक जैसे हैं क्या? है? पढ़ने वाले तो नंबर वन हो, तो अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती। जो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ने वाले हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ही सनातन धर्म की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। पढ़ाने वाला एक, पढ़ने वाले अनेक, फिर एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं सबको। ऐसे भी नहीं कि कोई को अलग अलग पढ़ाई पढ़ाते हो, फिर वैरायटी क्यों बन जाते हैं? अरे स्कूल में भी सब एक जैसे मार्क्स से पास होते हैं क्या? पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर होता है, एक जैसे पास होते हैं क्या? फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं सब, नहीं होते। ऐसे ही यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। पढ़ाई तो सबके लिए है, ऐसा तो एक भी नहीं होगा जो आत्मा अपन को न समझ करके जाए। नॉलेज तो कम से कम सभी लेंगे,
क्या कि मैं आत्मा बिंदी, हम आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भी बिंदी, दूसरे धर्म की आत्मा भी इस बात को समझ करके ही जावेंगे। गहरी नॉलेज है वो उनका बने उठा लेंगे, और न बाप को पहचानेंगे, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, दूसरे धर्म के लिए थोड़ी पहचान पाते। रुद्रमाला की जो है वो वास्तव में रुद्र तो ग्यारह ही है, रुद्र ग्यारह गिने जाते हैं। एक महारुद्र है, टोटल मिलकर के बारह हैं, उन बारह के फॉलोअर्स भी हूँ, यथा राजा तथा प्रजा। फिर जो दूसरा रूप होता है बारह का, वो उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी थोड़ा ही होगा जो पहला पहला ग्रुप होता है। तो उनकी प्रजा भी ऐसा राजा तथा प्रजा, ऐसे ही लास्ट ग्रुप है नौवा, तो कम पुरुषार्थी है तो उसके फॉलोअर्स भी कम पुरुषार्थी होते, इसलिए माला में नौ प्रकार के ग्रुप बन जाते हैं। वो माला ही ये साबित करती है कि कोई ऊंचा संगठन है और कोई नीचा संगठन, कोई दाई ओर का संगठन है और कोई बाई ओर का संगठन। अब यहाँ स्थापना किसकी होनी है, असल सूर्यवंशियों की स्थापना होनी है या डिफेक्टेड की होनी है, असल सूर्यवंशियों की स्थापना होनी है। बाकी तो रुद्रमारों को एडवांस पार्टी कहा जाता है, एडवांस पार्टी में भी संस्कृत निंदा कराने वाले मणके हैं या नहीं है, वो मणके निचली कोटि के संगठन में वाले मणके में मणकों में जाएंगे या उच्च कोटि के मणकों में जाएंगे, इसलिए अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती। सारे जाल का फाउंडेशन जैसे कि अभी पड़ रहा है, हम कहते जो अटी होगा और संगठन में सारे चार लाख आते हैं, आते और जाते रहेंगे, संगठन में सेव दो करके आएंगे और फिर वापस दुनिया में जाएंगे, ये कब की बात है बाप, संघ में ही कृष्ण प्रत्यक्ष होने की बात की बात है या उससे पहले भी होती है। शांति धाम और सुख धाम के गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे, जब शांति धाम सुख धाम के गेट एक साथ खोलेंगे तो संगम की कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं होगा, और जब रिश्मा का वर्ग सब पूरा चला रहा है।
जड़ के सब समझेंगे, ऐसे ही पूजा पिता को भी आगे जाते जाते कोई करेंगे। पर अभी जो वैष्णवी देवी आएंगे सब वो तो सारी जितना लोग समझे चाहे वो अगर भी सचिव के लिए गाँव ला के समझेंगे तो सब समझेंगे। 9 लाख में से 4.5 लाख 4.5 लाख तो शुभ खरीदारी है, उनके समझने न समझने का तो बात ही नहीं है। बाकी जो 4.5 लाख है वो भी अलग अलग धर्मों से करे थे, एक धर्म के बीच तो है नहीं। जो और धर्मों के बीच है वो पूरे 84 जन्म लेंगे क्या? बल पहले जन्म में आएंगे लेकिन लास्ट में जाके जन्म लिया, 100-150 साल 125 साल कब हो गए, तो उनको पक्का देवी देवता सनातन धर्म का कहेंगे? नाम मात्र कहने के लिए 84 जन्म ले लिए, ब्राह्मण थे थोड़े ही बोलने वाले थे, क्षत्रिय थे। हाँ जी, क्योंकि लटक गया, न स्वर्गवासी हुआ न नीचे आया न ऊपर गया, संगति हो गई है। मजबूत बनाने के लिए जो लगा के तो चप्पल भी बना सकते हैं ना, जब ऐसा चप्पल नहीं करता है चप्पल क्या प्लाईवुड है कर सकते हैं ना, घास फूस भी डाल सकते हैं, झोपड़ियाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, लेकिन जमीन तो बहुत कॉस्टली मिलती है। झोपड़ियाँ डालने के लिए तो लंबी चौड़ी जमीन चाहिए, और कंपिल में तो तंबाकू पैदा होती है, जमीन का भाव ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो जमीन है उसी के अंदर कई मंजिल का बना देने में फायदा है, लंबी चौड़ी जमीन खरीदने में फायदा है, है? मल्टी स्टोरी करने में फायदा है ना, तो फायदे का लाभ उठाना चाहिए। माम बट्टी बट्टी करते रहे बनाने का क्या? हर इंसान का अपना तपस्या का प्रभाव होता है। माउंट आबू में जो तपस्या हुई है वो बेसिक नॉलेज की हुई है, लेकिन शुरू से लेकर के अब तक चाहे बेसिक नॉलेज वाले हों चाहे एडवांस नॉलेज वाले हों, सबका बुद्धि का कनेक्शन तो माउंट आबू से रहा है ना, वो तो महामधुबन बनेगा। लेकिन जो बोला है जहाँ जहाँ श्री मधुबन बना ले वहाँ वहाँ बाप दादा आ देंगे, मधुबनों में भी कोई मधुबन ऐसा होगा ना जहाँ विशेष याद की यात्रा का प्रभाव हो और सात्विक स्टेज का हो। माउंट आबू में अभी जो तपस्या हो रही है और ब्रह्मा बाबा के समय में जो तपस्या हुई थी उसमें फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। ऐसे ही एडवांस में टीवी बोल रहा है, बोलने में बोला मोदी को
दिल्ली के लिए तो ये बोला है कि दिल्ली परिस्थान दिल्ली कब्रस्तान हो। दिल्ली स्वर्ग की भी राजधानी है तो दिल्ली नरक की भी राजधानी है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ का प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सब धर्म वालों ने राजाई की है, सब धर्म वालों ने आकर के अपनी कैपिटल बनाई। दिल्ली जैसे सारे विश्व की माँ है, जगदम्बा है। तो जगदम्बा का ओरिजिन भी कहाँ से होता होगा? दिल्ली से ही होता है। दिल्ली का मौसम खराब होता है तो सारे भारत का मौसम खराब होता है। दिल्ली का मौसम सुधरता है तो सारे भारत का मौसम सुधरता है। दिल्ली के ऊपर सारा मदार है। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा होगी। एक बोले से मेरा पिता तो बच्चे पावन बन गया, जो सब फॉलो नहीं करते, जो माता के पतित है तो शिव है ना, प्रजा पिता है उसमें तो शिव प्रवेश है ना, उसकी तो बात ही अलग। समाज में संसार में सभी देशों में जाति पतन माताओं का हुआ है या पुरुषों का जाति पतन हुआ है? तो जिसकी जाति गिरती कला हुई हो उसी ऊपर जाति ऊंचा उठना है। पुरुष इतने दुखी नहीं है, माता है जाति दुखी, तो ज्यादा दुख भोगती है तो ज्यादा सुख नहीं भोगना चाहिए। ये जगदम्बा जैसे बीज है, सब माताओं की माता है। रावण की जेल में भी जाती है सबसे जाती को, तो राम के राज्य में भी सुख में सबसे जाती वो भोगती है। और जगदम्बा भी कौन है? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता, ओमराजे को निमित्त बनाया था। वही ब्रह्मा की सोल जिसने सहन शक्ति का बड़े से बड़ा पार्ट बजाया माता की, वही फिर इसी चोले में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। नाम वो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ बड़ी माँ, और नाम उसका भी जगदम्बा है, सारे जगत की माँ, अर्थ तो एक ही हो गया। तो जगदम्बा का झोला है वो आत्मा अलग, और उसमें प्रवेश करके जो जगदम्बा का पार्ट बनाने वाली है, असुरों का संहार करने वाली आत्मा, वो अलग, वो है ब्रह्मा। ये सारी बात एक आत्मा के ऊपर आ जाती है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो एक के पतित बनने से सब पतित,
और एक के पावन बनने से सब पावन। एक की बुद्धि में समझ में सही तरीके से बात बैठ जाए तो सब की बुद्धि में बैठ जाएगी। एक की बुद्धि में बात नहीं बैठी हुई है गीता का भगवान कौन? जगदम्बा का चोला है उसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। शिव बाबा की पार्टी की तो बात ही अलग है। तो अनित्य बुद्धि बनता ही नहीं है। एक की फोर जन्म में पवित्र नहीं कहेंगे। आखिरी जन्म में आकर के दृष्टि से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? एक जन्म में तो एक जन्म खुश हो गए खुश होने से आप बॉडी बोलता है तो खुश होने से वो तो भूषण होंगे पास करेंगे तो पवित्र जन्म लेंगे तो दुर्योधन प्रशासन बनेंगे तो पाप जन्म में भी पाप तो लगता है। आत्मा के ऊपर विकारों की कट तो चढ़ती है। ये कि और 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में जो वो पवित्रता को धारण करेगी वो और कोई आत्मा के अंदर उसमें पवित्रता के संस्कार नहीं होंगे। संगम की कृष्ण जन्म से है संगम की कृष्ण जन्म होने से सुखराम और शांति राम स्थापन हो जाएगा बोला। तो सुखधाम का जब स्थापन होगा जो छोटा सा संगठन होगा उस जगह पे तो दुखधाम का विनाश होना होता है ना। जहाँ सुखधाम होता है वहाँ सुखधाम नहीं होता। जहाँ दुखधाम होता है वहाँ सुखधाम नहीं होता। जहाँ पतित दुनिया होगी वहाँ एक भी पावन नहीं होगा। जहाँ पावन दुनिया होगी वहाँ एक भी पतित नहीं होगी। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा इसमें एक भी विकारी पतित प्रवेश भी नहीं कर सके। तो जो सुखधाम स्थापन होगा उस समय तो उस जगह पे सुखधाम का विनाश होगा। फिर बोल बात ठीक है। यही दुनिया यहाँ सुख की दुनिया होगी उस सुख की दुनिया में घोर सोजरा ही सोजरा होगा और जो दुख की दुनिया है वो अंधेरा ही अंधेरा ज्ञान का नाम निशान नहीं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति मार टोटल मुर्दाबाद। तब कहेंगे सुखधाम। जैसे दो पैर होता है सोजरा ही सोजरा रात के 12 बजते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। सुखधाम का स्थान है ही जमुना का कंठ। फिर दुखधाम का स्थान भी कोई जमुना का कंठ। तो दिल्ली कब्रिस्तान और परिस्थान ये कब की बात है? जब पिता जन्म जब बाप की प्रत्यक्षता होती उसी समय नेक्स्ट टू गॉड इज प्रेजेंट। जब प्रत्यक्ष होता है संसार में नेक्स्ट टू गॉड नारायण जब संसार में प्रत्यक्ष होता है नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता या शंकर जब संसार में प्रत्यक्ष होता है टाइम को कहेंगे शुरू होगा।
लड़ाई पहले शुरू होगी कि पढ़ाई पहले पूरी होगी? पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी, और लड़ाई तभी शुरू होगी, विनाश तभी होगा जबकि स्थापना हो गई होगी। पहले स्थापना फिर विनाश। पूरा कोई संपन्न बनते हैं एकदम, तो फाउंडेशन नई दुनिया का पड़ेगा वो अधूरों के संगठन का पड़ेगा या संपूर्ण के संगठन का पड़ेगा? किसका पढ़ना चाहिए? अरे संपूर्ण पुरुषार्थियों का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए या अधूरे पुरुषार्थियों का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए? संपूर्ण पुरुषार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो संपूर्ण कितने हैं? आठ ही ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते, बाकी तो कुछ कुछ अधूरा पुरुषार्थ करते हैं जिसकी सजा खा जाते हैं। अभी जो अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो क्या इतने भी लाखों इस ज्ञान में चल रहे हैं सबको दे दिए? तुम वहां नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, अच्छा ना, तो क्या वो सौगात सबको मिल गई? सबको तो नहीं मिल सकती। ये बोल रहे कि बाबा सबको एक ही टाइम लेके जाएंगे, बोल रहे तो ठीक है, फिर आठ इंजर रहते हैं और उसमें सुबह सबसे वो बुद्धियोग से रहते हैं, वो बुद्धियोग से ऐसी स्टेज में रहते हैं। शरीर छोड़ करके जाने की टाइम की बात नहीं है, शरीर छोड़ करके सारे तब ही जावेंगे जब लास्ट में प्रजापिता सारी शक्ति में हर मनुष्य मात्र हर प्राणी मात्र को शरीर छोड़ते हुए देख लेगा। वो ऑलराउंड पार्टधारी तब तक सब आत्मा सूक्ष्म बतन में टिकेंगी, परम धाम कोई वापस नहीं जा सकता। आठ भी छोड़ा है, अष्टदेव भी छोड़ा होते हैं, नंबर वन की स्टेज में तो उसके बाद बाप ही परमधाम जाएगा, यही ऐसे बाप पहले जाएगा, जो परमधाम पहले जाएगा वो सुखधाम में पहले आएगा, ये नियम नहीं है। जो शांति में ही नहीं जाएगा, जो मुक्ति की स्टेज को ही नहीं पावेगा, गति ही जिसकी नहीं होगी उसकी सदगति होगी? पहले नंबर में गति हो, मुक्ति हो, उसकी पहले नंबर में सदगति हो, जो पहले नंबर में शांति धाम जावे वो पहले नंबर में सुख धाम आवे। आप बोलते थे देवता शनि को और गौतम में जो देवता है और देवता नहीं है, देव आत्मा है, देव आत्मा और प्रजा है, उसमें क्या फर्क होता है? तो फर्क ये होता है कि जो देव आत्माएं हैं उनमें ही ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती है, 37 करोड़ देवताएं गए हुए हैं, उन 37 करोड़ में टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाली दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश करती रहती है और उनको कन्वर्ट करती रहती है और धर्मों में। इसलिए हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सदैव विधर्मी बने और धर्मों में गए, दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होकर के कभी हिंदू नहीं बने। तो लास्ट में जब भगवान को सच्ची पर आना होता है तब ऐसा ड्रामा बनता है कि सब धर्म वाले आर्य समाज में स्थान पा जाते हैं। आर्य समाज ही खुला निमंत्रण दे देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन सकता है। वो
भविष्य लक्ष्य होते हैं आत्मा, तो सचिव बने आते हैं तो बात आते हैं आत्मा नहीं है ना, वो देव आत्मा तो है वो क्यों सचिव का भेद नहीं आ सकते हैं। वो फोर्थ कैटेगरी का सुख भोगते हैं अपर नंबर का, सचिव में आने वाले फर्स्ट कैटेगरी का सुख भोगते हैं, त्रेता में आने वाले सेकंड कैटेगरी का सुख भोगते हैं, लेकिन द्वापर युग में जो देवता धर्म की सनातन धर्म की आत्मा आती है वो थर्ड कैटेगरी का सुख भोगती है, उनके से ऊंचा सुख भोगती। आज भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं कि परिवार का मुखिया जो बोले उसको काट नहीं सकता कोई भी परिवार का सदस्य, इतना एका होता है, इतना एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। लेकिन ऐसे परिवार प्राय है लोप है, देवी देवता सनातन धर्म प्राय है लोप नहीं होता है। बिल्कुल लोप हो जाए ये नहीं हो सकता। जो पहले शांतिदान जाएगा वही पहले सुखधाम में आएगा पुराना बाबा, तो यही बोला बाबा ने शरीर छोड़ते बाप को शरीर छोड़ते हुए कोई भी नहीं देखेगा। कोई शक है क्या? अगर उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखे फिर संसार में ये गायन कैसे चलेगा कि वो सबका बाप है, अमर है, अमरनाथ है, उसका जन्म और मरण नहीं होता है, तो बेहद की बात। बार बार नित्य रूपी जन्म नहीं होता और बार बार अनित्य रूपी मृत्यु भी नहीं होती उसकी, तो ये शरीर छोड़ के वो परंधाम जाता ही नहीं हुआ थी। क्यों नहीं जाता? सबको मार के मरता है तो अंत में जाता है ना बाबा? हाँ, अंत में जाता है और सबसे आगे जाता है। जब दौड़ होती है ना तो कोई दौड़ने वाले इतने तीखे होते हैं, पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं, तो लास्ट जो दौड़ होती है उसमें आगे निकल जाते हैं। ऐसा देखा कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। जब तक वो प्रजापिता आ नहीं जाएगा तो उनका नहीं सूक्ष्म मतन है ही नहीं बोला, सूक्ष्म मतन है ही नहीं, मैंने सूक्ष्म स्टेज है आत्मा, दैहिक रूप नहीं है, सूक्ष्म शरीर। हाँ जी, लाइट का शरीर, जैसे स्वप्न में कहाँ कहाँ उड़ करके आत्मा चली जाती है, बिल्कुल शरीर चला जाता है क्या? जाता है, शरीर तो नहीं जाता, लेकिन आत्मा भी नहीं जा सकता वो शरीर से है? आत्मा भी वो शरीर से नहीं जा सकता ना, कौन से शरीर से? जो शरीर से नहीं जा रहा है, स्थूल शरीर से नहीं जा सकती, तो सूक्ष्म शरीर से जाते हैं ना? हाँ, सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, एक सेकंड में कहीं जा करके वापस आता है। वो सूक्ष्म शरीर है कि अपना मन की संकल्प है, मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है, संकल्प है ना बाबा, वही स्वप्न भी मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, एक होता है चेतन मस्तिष्क और एक होता है अचेतन मस्तिष्क। अब चेतन मस्तिष्क में हम सब जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं, जब निद्रा में होते हैं तो एक बीच की स्टेज ऐसी आती है कि अचेतन मन चारों तरफ दुनिया में घूमने लगता है। आत्मा, आत्मा को ही मन कहा जाता है। जागृत अवस्था में भी ऐसी स्थिति होती है,
हम कभी गहरे मनन चिंतन मंथन में होते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं और हम कहां के कहां पहुंच जाते हैं, आंखों के सामने से कोई निकल जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता कौन निकल गया, ऐसा होता कि नहीं? ऐसे ऐसे पता चलेगा कि शिव का पाठ खत्म हो गया, शंकर का पाठ शुरू हो गया है? ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया क्या? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठधारी थे या नहीं थे? इनकी यादगार में ये झंडा बनाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार में तीन कपड़ों का झंडा बनाया गया, ये तीन शरीर की कोई वस्त्र यज्ञ के आदि में भी थे ना? जो आज में है वो अंत तक होंगे या नहीं होंगे? वो समझने की बात है क्या? जो शैव संप्रदाय के होंगे उनके लिए लोप होने का बात ही नहीं है, जो और संप्रदाय के होंगे ब्रह्म समाजी होंगे उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, समझेंगे नहीं? विष्णु संप्रदाय वालों को विष्णु ही सबसे ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ेगा, ब्रह्म समाजियों को ब्रह्मा ही सबसे ऊंचे दिखाई पड़ेगा, शैव समाजियों को शैव शिव ही सबसे ऊंचा दिखाई पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बनाए हैं, जो महापुराण जिसने बनाया उसने शिव की ही महिमा कर दी, हर जगह शिव को ही ऊंचा दिखा दिया, विष्णु महापुराण जिसने बनाया है उसने विष्णु को ही भगवान के रूप में दिखा दिया और शंकर को और दूसरे देवताओं को सबको नीचा दिखा दिया। जैसे जगदम्बा की पुजारी है, देवी की पुजारी है, उन्होंने देवी को सबसे ऊपर कर दिया और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को नीचे कर दिया। ऐसे ही यहाँ चल रहा है, ब्रह्मा के लिए अपने कमाने में क्या बोला है, जो सबसे नीचे तबके का देवता है, क्या बोला है? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक लुदा हुआ है, दूसरा पाठ नहीं बजा सकते जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है, ब्रह्मा का पाठ चलता ही रहेगा। ब्रह्मा का पाठ नहीं है तो ब्रह्मा की हजार भुजाओं का गायन कैसे है? हजार भुजाएं अभी भी कार्य कर रही है, चलाने वाला है तब तो हजार भुजाएं चल रही है, चलाने वाला हो ही नहीं और भुजाएं अपने आप चलती रहेंगी, जिसमें के चित्र में भी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं माने कोई चार मददगार आत्माएं, उन चार मददगार आत्माओं को चलाने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? नहीं तो विष्णु का सर काट दो, चार भुजाएं अपने आप चलती रहें।